नमस्कार, आज हम अष्टांग हृदय के तीसरे अध्याय ऋतुचर्या के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आदान काल किसे कहते हैं? आदान काल वह काल है जिसमें सूर्य प्रतिदिन मनुष्य के बल को हर लेता है। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतुओं के मार्ग के स्वभाव के कारण सूर्य और वायु अत्यंत तीक्ष्ण, उष्ण और रुक्ष हो जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के सौम्य अंश का क्षपण होता है और तिक्त कटु क्षय रस उत्पन्न होते हैं। विसर्ग काल क्या है? वर्षा, शरद और हेमंत के काल को विसर्ग काल कहा जाता है। उस काल में बल का विसर्ग होता है। इस समय चंद्रमा बलवान होता है और सूर्य का तेज कम होता है। इस ऋतु में क्रमशः अमल, लवण व मधुर, ये स्निग्ध एवं बलवान रस उत्पन्न होते हैं। किस ऋतु में जठर अग्नि सबसे अधिक होती है और उसमें किन रसों का सेवन करना चाहिए? हेमंत ऋतु में जठर अग्नि सबसे अधिक होती है और उस काल में मधुर, अमल और लवण रसों का सेवन करना चाहिए। हेमंत ऋतु में प्रातः काल क्या करना चाहिए? हेमंत ऋतु में रात्रि लंबी होती है। प्रातः शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर बिना कुछ खाए वातनाशक तेलों से अभ्यंग करना चाहिए। इसके साथ साथ सिर पर तेल लगाना, विमर्दन करना, मल्लयुद्ध और युक्ति पूर्वक पांव से आघात करना जैसी क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। हेमंत ऋतु में सेवन करने योग्य कुछ आहार द्रव्यों के नाम बताएं। स्निग्ध मांस रस, गुड़ से निर्मित मध्य, सुरामंड, गोधूम अर्थात गेहूं, पिष्ट अन्न, पिसा हुआ अन्न, माश, उड़द की दाल, इक्षु, किशीर विकृति अर्थात दूध से बनी हुई वस्तुएं, नवीन अन्न, वसा तथा तेल का सेवन हेमंत ऋतु में करना चाहिए। शिशिर ऋतु में किस तरह की चर्या का पालन करना चाहिए? शिशिर ऋतु में शीतकाल व आदान काल जन्य रुक्षता बढ़ जाती है। इसमें हेमंत ऋतु के लिए वर्णित चर्या का पालन करना चाहिए। वसंत ऋतु में सेवन करने के लिए चार प्रकार के सिद्ध जल बताए हैं, उनका नाम बताएं। वसंत ऋतु में सेवन करने के लिए निर्दिष्ट चार प्रकार के सिद्ध जल बताए हैं, यथा श्रृंगवेर अंबु सौंठ का पानी, सार अंबु विजयसार का पानी, मधु अंबु मधु को जल में मिलाकर व जलद अंबु नागर मोथा का पानी। वसंत ऋतु में किस दोष का प्रकोप होता है और उसे किस प्रकार जीतना चाहिए? वसंत ऋतु में कफ दोष का प्रकोप होता है और उसे तीक्ष्ण वमन, नस्य, लघु तथा रुक्ष भोजन, व्यायाम और उद्वर्तन अर्थात उबटन आदि से जीतना चाहिए। वसंत ऋतु में किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? वसंत ऋतु में गुरु व शीतल पदार्थ, दिन में सोना, स्निग्ध अमल व मधुर वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में किस रस वाले द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणों से व्यक्ति के शरीर में कफ का क्षय हो जाता है, वायु वृद्धि को प्राप्त होती है, इसलिए लवण, अमल व कटु रस वाले द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में किसका सेवन करना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु में मधुर अन्न का सेवन बहुलता से करना चाहिए, साथ में लघु, स्निग्ध व शीतल और द्रव पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। अतिशय शीतल जल से स्नान कर सत्तू को लेह की तरह चाटना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में मध्य सेवन के बारे में क्या निर्देश है? ग्रीष्म ऋतु में मध्य सेवन नहीं करना चाहिए। अगर पीना भी हो तो बहुत अल्प मात्रा में या फिर बहुत जल मिलाकर पीना चाहिए। इस ऋतु में अन्न उचित मध्य सेवन
शोथ, शिथिलता, दाह व मोह करता है। ग्रीष्म ऋतु में मांस सेवन के बारे में क्या निर्देश है? ग्रीष्म ऋतु में कंद पुष्प अर्थात मोगरा तथा चंद्रमा के समान शाली धान्य को जंगल मांस के साथ खाना चाहिए। इस ऋतु में अति घन मांस रस ना लेकर केवल पतले मांस रस का सेवन करना चाहिए। धन्यवाद।